गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट करो पहले कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। लास्ट क्लास से बच्चों हम लोग कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने दो लॉज कर लिए थे। पहला लॉ तो हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा लॉ था वो हम लोगों ने कौन सा किया था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, अभी बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और बच्चों ये जो लॉ है ये किसने दिया था, ये दिया था सर जॉन डाल्टन ने। प्रपोज्ड बाय, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय डाल्टन। तो इसको देने वाले थे सर जॉन डाल्टन। ठीक है, पहले इस लॉ को लिख लो क्या कहता है ये लॉ, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। थ्योरी लिख लीजिए बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, टू TWO, टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स कॉमा, देन द डिफरेंट मास, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद, विच कंबाइन विद, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, द फिक्स्ड मास ऑफ अनादर कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनादर कॉमा बियर, BEAR, बियर का मतलब था कैरी, बियर अ सिंपल रेशियो, बियर अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर, अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर, टू ईच अदर, इसका मतलब समझो। ये लॉ आपसे कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ने के बाद में दो या उससे ज्यादा अलग तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन को लिया। कार्बन और ऑक्सीजन बच्चों आपस में कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन ये बस दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद में दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो अगर बच्चों इन कंपाउंड्स के अंदर मासेस का सिंपल रेशियो निकाला जाए, फॉर एग्जाम्पल कार्बन के एटम का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12:16 इससे भी सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा इसका, 3:4। यहां पर कार्बन का 12 पर ऑक्सीजन का 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो पर कितना हो गया 32। दोनों का अगर आप बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर मैं इस कार्बन और इस कार्बन को कंपेयर करूं तो मैं ये देखूंगा कि ये दोनों एक दूसरे का कितना टाइम्स है, एक दूसरे का वन टाइम, एक दूसरे का एक गुना है, वन। और वन क्या होता है, सिंपल होल नंबर। अगर यहां मैं बच्चों इन दोनों ऑक्सीजन को कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये इसका कितना टाइम्स है, ये है इसका 2 टाइम्स, और 2 भी क्या है बच्चों, एक सिंपल होल नंबर। तो
तो ये लॉ आपसे यही कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होने के बाद में, आपस में कंबाइन होने के बाद अगर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स के अंदर जो मासेस का रेशियो है वो एक दूसरे का सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। इसी तरीके से जरा आप गौर फरमाएं दूसरे एग्जाम्पल पर जो मैंने लिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना H2O वाटर और H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। मासेस का आपने रेशियो निकाला, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन की वजह से 2, इसका 16, तो आंसर आया 1:8। यहाँ पर आएगा 2:32, मतलब 1:16। तो अगर बच्चों देखें तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों एक दूसरे का कितना टाइम्स है, 1 टाइम। 1 क्या होता है, एक होल नंबर। और अगर यहाँ मैं ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन कंपेयर करूं तो मैं देखूंगा कि ये एक दूसरे का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। और 2 भी क्या होता है, एक सिंपल होल नंबर। कमेंट करके बताओ ये एग्जांपल्स और लॉ समझ में आए या नहीं। तुम ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो दो एलिमेंट्स के बने हुए अलग अलग कंपाउंड्स, उनमें अगर तुम रेशियो निकालोगे मासेस के तो सबके सब एक दूसरे के होल नंबर मल्टीपल होंगे, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। कभी आंसर ऐसे नहीं आएगा कि 1.5 गुना आ रहा होगा, कि 3/4 टाइम्स आ रहा होगा। हमेशा जितना भी टाइम्स होगा वो होल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल बना लो दोनों, एग्जाम्पल बनाने के बाद कमेंट कर देना, डन। तो मेरे पास में कमेंट आ गया है बच्चों, डन। मतलब आप लोगों ने कार्बन और ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल्स और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले एग्जाम्पल्स, ये सारे आपने बना लिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट लॉ की तरफ हम लोग चलते हैं। जो चौथा लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें करना है वो है गे लुसाक्स लॉ। गे लुसाक्स लॉ, इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट जो होते हैं उन्हीं के नाम पे ये लॉ है। प्रपोज किया था गे ल्यूसैक ने, प्रपोज करने वाले थे गे ल्यूसैक। पहले आप लिख लीजिए लॉ कहता क्या है, फिर मैं इसको समझाता हूं। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एवर गैसेस रिएक्ट और प्रोड्यूस्ड, व्हेन एवर गैसेस रिएक्ट रिएक्ट और प्रोड्यूस्ड कॉमा, दे डू सो इन वॉल्यूम, दे डू सो इन वॉल्यूम एंड बियर, BEAR एंड बियर अ सिंपल रेशियो, अ सिंपल रेशियो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड बियर अ सिंपल रेशियो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों लॉ को समझ लो, गे ल्यूसैक ने जो लॉ दिया था वो क्या कहता है। देखो इन्होंने कहा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैसेस, सिर्फ गैसेस के लिए लॉ दिया गया था,
गैसेस या तो रिएक्ट करती हैं मतलब रिएक्टेंट, या प्रोड्यूस होती है मतलब प्रोडक्ट। तो वो ऐसा करेंगी अपने वॉल्यूम में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या लो तुम, 10 ग्राम ले लो नाइट्रोजन, 20 ग्राम ले लो हाइड्रोजन, बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा। पर गे ल्यूसेक ने ये कहा कि भाई गैसेस जो है तुम उनका मास थोड़ी ना लेते हो, गैसेस का तो हम लोग क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं कि भैया 10 ग्राम की जगह कहो 10 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर। तो आप लोगों को इस लॉ के अकॉर्डिंग गैसेस अगर रिएक्ट कर रही हैं या गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो ऐसा करेंगी अपने वॉल्यूम्स में, और ये जो वॉल्यूम्स होंगे एक दूसरे के सिंपल होल नंबर रेशियो होंगे। जैसे कि अगर आप यहां देखें, ये मैंने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसमें यहाँ 1 नाइट्रोजन, यहाँ 3 और यहाँ पे क्या है 2। तो अगर मैं मान लूं कि इसका मतलब 1 वॉल्यूम है क्योंकि गैस है, तो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम लेना है, तो यहाँ इसके कितने वॉल्यूम हो जाएंगे 3, यहाँ इसके कितने वॉल्यूम हो जाएंगे 2। ठीक है, और चलो मान लिया कि 1 वॉल्यूम इक्वल टू 50 ml, तो इसका मतलब जब मैं 50 ml N2 लूंगा तब 3 वॉल्यूम था, मतलब कि 3 × 50 कितना लेना पड़ेगा हाइड्रोजन मुझे, 150 ml, तब जाकर के मेरे पास में कितना वॉल्यूम बनेगा NH3 का, 100 ml। ये कहता है हमारा गे ल्यूसैक्स लॉ। कमेंट करके बताओ लॉ और एग्जाम्पल समझ में आए या नहीं आए। गैसेस अगर रिएक्ट कर रही हैं, बन रही हैं, तो आपको हमेशा उनका वॉल्यूम लेना है इस लॉ के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया है तो बच्चों ये एग्जाम्पल बना दो। आपको अगर समझ में आ गया है तो आप इस एग्जाम्पल को बना दीजिए, और एग्जाम्पल बनाने के बाद कमेंट कर देना डन। और बेटा हर्षित और सुमित बस लिखते ही मत रह जाना, मैं पूछता हूं समझ में आ गया क्या, तुम्हारा कमेंट आता सीधा डन, लिख लिया। लिखने का बराबर टाइम दिया जा रहा है, पहले समझो फिर लिखो। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, जो फर्स्ट डे से बच्चों क्लासेस ले रहे हैं, वो उनकी हेल्प कीजिए। जैसा अभी मैंने देखा सुमित ने विशाल की हेल्प के लिए उसके नंबर एक्सचेंज किए हैं ताकि वो व्हाट्सएप पे उसे जो भी जितना भी काम है वो भेज दें। तो अच्छी बात है बेटा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आप उनकी हेल्प कीजिए, और बच्चों जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी एक दूसरे से आप लोग हेल्प लीजिए, हेल्प लेने में कोई बुरी बात नहीं है। तो चलिए बच्चों मेरे पास में कमेंट आ गया डन, तो मतलब आपने ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल लिख लिया होगा। और बच्चों अब हम लोग लास्ट लॉ जो है हमारा पांचवा लॉ उसको लिखने जा रहे हैं, और जैसा मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर जो है आज अपना खत्म हो जाएगा इसी लॉ के साथ में, और हम लोग आज ही सेकंड चैप्टर को भी स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कह दिया था कि आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, वरना आपको पेजेस छोड़ने पड़ जाएंगे। तो बच्चों फिफ्थ लॉ हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ, और जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये लॉ किसने प्रपोज किया था, खुद एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रोस लॉ प्रपोज्ड बाय एवोगैड्रो। हाँ जी बच्चों इस लॉ के लिए लिखिएगा क्या कहता है लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कॉमा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कॉमा अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉमा कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन इक्वल
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये लॉ कहता है कि अगर गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, अगर उनका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो ऐसा करेंगी, पर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। पिछला लॉ कहता था कि भाई वॉल्यूम लेना है, पर ये लॉ कहता है कि आप क्या लो, नंबर लो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझसे कह रही है कि इसका 1 मोल लेना है, इसके 3 मोल और इसके कितने मोल लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं। अब भाई हमें एवोगैड्रो ने ही तो बताया था कि 1 मोल के अंदर मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका मतलब 1 मोल N2 लेने का मतलब अगर आप 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स लेते हो N2 के, और बच्चों इसी वैल्यू को एवोगैड्रो ने क्या कहा था, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, Na से। तो मतलब तुम इतने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल लोगे तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे भाई, 3 मोल्स है ना, तो इसी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे NH3 के, यहाँ पर 2 है तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रोस नंबर से। तो पिछला लॉ कहता है कि भैया आपको गैसेस का वॉल्यूम लेना है, और ये लॉ कहता है कि आपको गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओ लॉ और एग्जाम्पल क्लियर है या नहीं, और यस सर ही कमेंट करना, डन नहीं। ठीक है, क्लियर है तो फिर आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। एग्जाम्पल बना लो और फिर कमेंट कर देना, डन। ठीक है, तो बच्चों इसी एग्जाम्पल के साथ, इस लॉ के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है बच्चों, ओवर होता है, खत्म होता है। और अगर आपने अब तक क्वेश्चंस ट्राई नहीं किए हैं इस चैप्टर के, तो बच्चों आप लोगों को जगह छोड़ देनी है, या फिर अब जो आप काम करने जा रहे हो वो आप रफ में कीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ी ना अंदाजा होगा कि कितने पेजेस के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर जो होंगे वो कवर होंगे। ठीक है, तो जगह छोड़ दीजिए और हम लोग अभी अपना सेकंड चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ जी बच्चों, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो कि आपने क्लास 9 से पढ़नी स्टार्ट की थी, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई एटम क्या होता है, फिर
ये जो एटम है इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो अलग अलग मॉडल्स दिए गए जो आपने पढ़े हैं 9th क्लास से, जैसे कि एक मॉडल दिया था किसने, थॉमसन ने, एक रदरफोर्ड ने और एक नील बोहर ने, है ना। तो ये सभी मॉडल इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आएंगे जो आप पहले से पढ़ते आए हैं। आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे इन मॉडल्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो एक बार बच्चों कमेंट कर दे। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे इन मॉडल्स, इन तीनों मॉडल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, वो बच्चों कमेंट कर दे। क्योंकि बच्चों अगर आप सभी को ये मॉडल्स पता हैं तो इन मॉडल्स को जो आपने 9th 10th में समझे वही मॉडल हैं। इन मॉडल्स को हम लोग समझाने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे अगर आपको ये मॉडल्स पता है तो। आप में से किसी का कोई कमेंट नहीं आया मेरे पास? तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि आपको ये मॉडल क्लियर है, एक तो जे.जे. थॉमसन का और एक रदरफोर्ड का मॉडल जो है क्लियर है, तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विशाल का कमेंट आ गया है, ठीक है। और कोई बच्चों? ठीक है, दीक्षिता अंशुल को तो क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। विशाल को परेशानी है तो हम लोग इन मॉडल्स को फिर से एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम। एक एटम क्या होता है? सबसे पहले बच्चों हम लोगों को पता होना चाहिए कि एटम जो है वो क्या होता है। सर जॉन डाल्टन जो है उनके अकॉर्डिंग एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस की वो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपके पास में कोई भी एक सब्सटेंस है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तो लास्ट में एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसी कंडीशन सामने आएगी जिसे मैं और आगे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। बस इसी को, जो आखिरी चीज जिसे मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, इसी को सर जॉन डाल्टन ने क्या नाम दिया था? एटम नाम दिया था। तो सबसे पहले तो बच्चों एटम की डेफिनेशन लिखो अकॉर्डिंग टू सर जॉन डाल्टन। लिखना अकॉर्डिंग टू सर जॉन डाल्टन, अकॉर्डिंग टू सर जॉन, JOHN, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, इन डिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो सबसे छोटी यूनिट जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक एटम को तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। एक एटम को हम लोग थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग तीन सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड करते हैं किसी भी एटम को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ जी सर, जरा कमेंट करके बताओ इन तीनों के डिस्कवरर कौन हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके डिस्कवरर के नाम जरा कमेंट करके बताना।
सीरीज में लिख दो कॉमा लगा करके, पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर का नाम लिख दो कॉमा, फिर प्रोटॉन के डिस्कवर का नाम कॉमा, न्यूट्रॉन के डिस्कवर का नाम। गूगल पे सर्च मत करना। बोलो बच्चों, मैं तैयार खड़ा हूं नाम लिखने के लिए। इलेक्ट्रॉन के कौन थे सर? इलेक्ट्रॉन के थे सर जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के थे सर जे जे थॉमसन, हाँ जी। और फिर हमारा प्रोटॉन जो है उसके कौन थे? प्रोटॉन के थे गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन के थे कौन? जल्दी कमेंट करो। न्यूट्रॉन के थे जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों उसका मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। इसी को अगर ग्राम में लिखा जाए तो 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। ये मास था किसका? इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। अगर हम लोग प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻²⁻¹ kg, और ग्राम में बन जाएगा 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। और बच्चों न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के ही बराबर होता है। ठीक है, चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। प्रोटॉन पर बच्चों चार्ज मैग्नीट्यूड में तो इतना ही होगा, बस साइन जो है वो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। और न्यूट्रॉन जो है बच्चों उसको न्यूट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पे चार्ज क्या होता है? जीरो, न्यूट्रल। ये बना लीजिए कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और फिर आप ये बना लीजिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि एक एटम को आप 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से डिवाइड कर। कमेंट आ गया है मेरे पास में, एक और भी बच्चे जवाब कर लें तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छी बात। तो बच्चों ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नॉलेज आपने ले ली। अभी हम लोग करने जाएंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। एक एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से अलग अलग मॉडल देने पड़े, तो आप लोग अब हेडिंग बना दीजिएगा डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स।
सबसे जो पहला है बच्चों वो है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल को देने वाले जो थे उनका नाम क्या था? सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एक एटम जो होता है बच्चों वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। एटम क्या है? एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिखरे पड़े रहते हैं। बिल्कुल, जैसे एक पुडिंग के अंदर जो खाने वाला हिस्सा है, स्फेरिकल पार्ट है, वो तो क्या हो गया? एक एटम। और जैसे उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता जो है वो बिखरे पड़े रहते हैं, वो क्या हो गए? आपके इलेक्ट्रॉन्स। और हम हिंदुस्तानियों के लिए ये जो मॉडल है ये तरबूज से कम नहीं है। जैसे कि एक तरबूज के अंदर का जो लाल रंग का स्फेरिकल पार्ट है, जो खाने वाला हिस्सा, रेड कलर का जो पार्ट है, वो तो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज एटम। और उस रेड कलर के हिस्से के अंदर जो भी काले रंग के बीज इधर उधर बिखरे बिखरे पड़े रहते हैं, वो बीज क्या हो गए? वो बीज हो गए अपने लिए इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कहा जे थॉमसन ने। विशाल, कमेंट करके बताओ बेटा, समझ में आया क्या सर जे थॉमसन का मॉडल? ठीक है, तो लिखो बच्चों। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन या सर जे थॉमसन लगाना, अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड EMBEDDED एम्बेडेड का मतलब होता है इधर उधर बिखरे पड़े रहना। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अ पुडिंग। पुडिंग की स्पेलिंग मैंने जी नहीं लगाया, आप लोग लगा देना, इन अ पुडिंग। और फिर उसके बाद में डायग्राम बना लो। कमेंट कर देना हो जाए तो। अब ये जो थॉमसन का मॉडल था, इसको बाकी साइंटिस्ट ने एकदम बकवास करार दे दिया, रिजेक्ट कर दिया ना, सिवाय थॉमसन की एक बात के। और वो बात ये थी कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एक एटम के ऊपर कोई चार्ज
ना तो पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, ये टोटल कोई चार्ज नहीं पाया जाता। और ये तभी हो सकता है बच्चों जब टोटल जितना भी पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाए। तो लिख दीजिएगा, हिज मॉडल वॉज रिजेक्टेड बाय अदर साइंटिस्ट, हिज मॉडल वॉज रिजेक्टेड बाय अदर साइंटिस्ट एक्सेप्ट वन पॉइंट, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट वन पॉइंट, दैट इज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। दूसरा दूसरा जो बच्चों मॉडल है उसकी बात करने जा रहे हैं, जो है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अल्फा पार्टिकल्स के साथ। क्या किया उन्होंने उसकी बात करते हैं। उन्होंने एक तो गोल्ड फॉइल दी, गोल्ड फॉइल जो कि ऑब्वियसली गोल्ड के एटम से बनी होगी। उन्होंने वैसे तो बच्चों अपना एक्सपेरिमेंट बहुत सारे मेटल्स के ऊपर कंडक्ट करवाया, पर उनमें से जो बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला वो किसके ऊपर देखने को मिला, वो गोल्ड के ऊपर ही देखने को मिला। इस वजह से हम लोग गोल्ड फॉइल की ही चर्चा करते हैं, बाकी एलिमेंट्स की नहीं। और क्या लिए उन्होंने, और बच्चों उन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल्स। कोई बताएगा अल्फा पार्टिकल्स केमिकली क्या थे, केमिकली अल्फा पार्टिकल्स का क्या फॉर्मूला था। केमिकली अल्फा पार्टिकल्स का क्या फॉर्मूला था, किसी का कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। अल्फा पार्टिकल्स केमिकली क्या थे, नहीं पता किसी को। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, HE+2, HE+2। हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को कहा गया अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने फिर क्या किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी के साथ गोल्ड फॉइल की तरफ थ्रो किया, बॉम्बार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, भिड़ंत करवाने की कोशिश की। और जब इन्होंने ऐसा किया तो ये देखा गया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल जो थे उनका बॉम्बार्डमेंट भिड़ंत करवाने की कोशिश की किसके साथ में, गोल्ड फॉइल के साथ में। और इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे क्रॉस कर गए थे गोल्ड फॉइल को। अगर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्रॉस कर गया है तो इसका मतलब एक एटम जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक एटम जो है वो क्या होता है, खाली। पर फिर उन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे, जो कि
स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा, पहली चीज तो ये कि एक एटम का सारा हिस्सा तो नहीं पर ज्यादातर जो जगह है, मोस्ट ऑफ द स्पेस, वो क्या होती है, एम्प्टी। दूसरा इन्होंने कहा कि उस एटम का सारा मास होता है, वो मास उस एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लोकेटेड रहता है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। और अपने मॉडल से रदरफोर्ड ने बच्चों न्यूक्लियस की खोज की। और एक और चीज, तीसरी चीज इन्होंने ये देखी थी बच्चों कि लगभग 20,000, 20,000 पार्टिकल में से एक ऐसा पार्टिकल था जो कि 180 डिग्री पर वापस लौट आया। तो यहां से उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो भी सेंटर में न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो 20,000 में से बहुत सारे पार्टिकल्स उस न्यूक्लियस से आमने सामने टकराते और वापस 180 डिग्री पर आ जाते, पर 20,000 में से कोई एक ही पार्टिकल वापस आ पाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम। तो ये मैंने इस आपको एक्सपेरिमेंट समझाया रदरफोर्ड का, मैंने समझाया उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसने क्या क्या देखा, और मैंने क्या समझाया, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उनकी हेल्प से क्या क्या कॉन्क्लूजन, क्या क्या रिजल्ट जो है वो निकाले। ये सारा बच्चों आपको खुद लिखना है, स्पेशली विशाल, बड़ा समझा मैं रहा हूं पर ये 9th क्लास से चलता आ रहा है। अगर इफ एनी केस तुम्हारे पास नहीं है नोट्स तुम्हारे 9th क्लास के, 10th क्लास के, तो बाकी जैसे सुमित जो है उसके नंबर आपने ले लिए, आप उससे व्हाट्सएप पे इमेजेस मंगा सकते हैं, सुमित हेल्प करना इनकी। यहाँ रदरफोर्ड के मॉडल के मैं ड्रॉबैक्स भी आपको समझा दूं, रदरफोर्ड के मॉडल के दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक तो ये कि रदरफोर्ड ने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, क्या करता है, रिवॉल्व करता है मतलब चक्कर लगाता है। ठीक है विशाल, अच्छी बात है तुम्हारे पास में 9th क्लास की बुक है तो वहां से तुम नोट डाउन कर लेना। तो जब एक न्यूक्लियस किसी सॉरी जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, रिलीज करता है। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक वक्त आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के गिरते ही एक न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, एटम हमेशा क्या रहता है, एटम स्टेबल रहता है। तो इसका मतलब जो रदरफोर्ड है वो आपके एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा ड्रॉबैक ये नहीं समझा पाए कि जब एक एटम को एनर्जी, मान लो हीट के फॉर्म में एनर्जी दी जाती है, तो क्यों एक एटम डिफरेंट कलर्स की लाइट को एमिट करता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि जब लोहे को, आयरन रॉड को आप हीट देते हो, गर्मी देते हो, तो वो एकदम लाल रंग की हो जाती है, पर एक्चुअल में ये नहीं है कि वो रेड हो गई है, रियलिटी ये है कि वो रेड कलर की लाइट को एमिट कर रही है, वो रेड कलर की लाइट को एमिट कर रही है, खुद लाल नहीं हुई है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि व्हाइट कलर के बल्ब पर अगर आप रेड कलर की पॉलिथीन लगा दें, बल्ब तो व्हाइट कलर की ही रोशनी जो है वो दे रहा है, पर आप तक जो रोशनी पहुंचेगी, जो आपको दिखाई देगी बाहर आती हुई, वो कौन सी होगी, रेड। तो ये नहीं बता पाए कि जब एटम्स को एनर्जी दी जाती है तो वो क्यों डिफरेंट कलर की लाइट्स को एमिट करते हैं। और ये जो बच्चों अपने पास में डिफरेंट कलर की लाइट्स आती हैं, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम का कॉज, कारण क्या होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आपका होमवर्क बच्चों यही है, रदरफोर्ड के मॉडल में 9th और 10th क्लास में मैंने आपको समझाया है, और जैसा विशाल ने कहा उसके पास में बुक अवेलेबल है। तो आपको एक्सपेरिमेंट, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट,
और ड्रॉबैक, ये आपको लिखने हैं रदरफोर्ड के लिए। नेक्स्ट क्लास में वैसे तो हम लोगों को नील बोर का मॉडल पढ़ना है, पर बच्चों मैं उससे पहले, ताकि नील बोर का मॉडल आपको क्लियर समझ में आ जाए, उससे पहले मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझाऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से एक बार आपको कह रहा हूं कि आप लोग बच्चों रेगुलर क्लासेस लो, कोई क्लास को मिस मत करो, क्योंकि अगर आपने एक क्लास मिस कर दी तो आपको आने वाले कई दिन तक समझ में नहीं आएगा। यही साइंस स्ट्रीम का ड्रॉबैक है कि अगर आप एब्सेंट हो जाओगे, क्लास नहीं लोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप रेगुलर क्लासेस लीजिए और बंक मत कीजिएगा क्लासेस। चलिए, थैंक यू, आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास।